अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम मोहम्मद हमैद है। आज जो मैं आप लोगों से वीडियो शेयर करने जा रहा हूँ वो वीडियो कुरान ट्रांसलेशन इन उर्दू है। तो चलिए बगैर ताखिर किए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। मोमिनों, अल्लाह से डरो जैसा कि उससे डरने का हक है, और मरना बिल्कुल तो मुसलमान ही मर्स को मौत का मजा चखना है, और तुमको कयामत के दिन तुम्हारे आमाल का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। तो जो शख्स दोजख से दूर रखा गया और बहिश्त में दाखिल किया गया वो मुराद को पहुंच गया। और दुनिया की जिंदगी तो धोखे का सामान है। ए अहले ईमान, तुम्हारे मालो जान में तुम्हारी आजमाइश जरूर की जाएगी, और तुम अहले किताब से और उन लोगों से जो मुशरिक हैं बहुत सी ईजा की बातें सुनोगे। तो अगर सब्र और परहेजगारी करते रहोगे तो ये बड़ी हिम्मत के काम है। और काश तुम इन जालिम यानी मुशरिक लोगों को उस वक्त देखो जब मौत की सख्तियों में मुब्तला हो और फरिश्ते उनकी तरफ हाथ बढ़ा रहे हों कि निकालो अपनी जाने, आज तुमको जिल्लत के अजाब की सजा दी जाएगी, इसलिए कि तुम अल्लाह पर झूठ बोला करते थे और उसकी आयतों से सरकशी करते थे। और जैसा हमने तुम लोगों को पहली बार पैदा किया था ऐसा ही आज अकेले अकेले तुम हमारे पास आ गए, और जो मालूमता हमने तुम्हें अता फरमाया था वो सब अपनी पीठ पीछे छोड़ आए। और हम तुम्हारे साथ तुम्हारे सिफारिशियों को भी नहीं देखते जिनके निस्बत तुम ख्याल करते थे कि वो तुम्हारे सिफारिशी और हमारे शरीक हैं। आज तुम्हारे आपस के सब ताल्लुकात मुनक़ति हो गए और जो दावे तुम किया करते थे सब जाते रहे। उन फरिश्तों की कसम जो डूब कर काफिरों की जान खींच लेते हैं और उनकी जो मोमिनों की जान आसानी से निकालते हैं। फिर जब जान गले तक आ पहुंचती है और तुम उस वक्त की हालत को देखा करते हो, और हम उस मरने वाले के तुमसे भी ज्यादा नजदीक होते हैं लेकिन तुमको नजर नहीं आते। बस अगर तुम किसी के बस में नहीं हो तो अगर सच्चे हो तो तुम जान को लौटा क्यों नहीं लेते? हमने तुम्हारे लिए मौत को मुकर्रर कर दिया है और हम इस बात से आजिज नहीं। हाँ, जब जान गले तक पहुंच जाए और लोग कहने लगे इस वक्त कौन झाड़ फूंक करने वाला है, और उस जान बलब ने समझा कि अब जुदाई का वक्त है और पिंडली से पिंडली लिपट जाए, उस दिन तुझको अपने परवरदिगार की तरफ खींचे चले चलना है। फिर ऐसे मगरूर ने न तो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्चा जाना और न नमाज पढ़ी, लेकिन झुटलाया और मुंह फेर लिया, फिर अपने घर वालों के पास अकड़ता हुआ चल दिया। खराबी है तेरी, खराबी पर खराबी है, फिर खराबी है तेरी, खराबी पर खराबी है। क्या इंसान ये ख्याल करता है कि उसे यूं ही छोड़ दिया जाएगा? वो अपने अहलो आयाल ही में मगन रहता था, वो तो ख्याल करता था कि अल्लाह की तरफ लौट कर न जाएगा। क्यों नहीं? उसका परवरदिगार तो उसको देख रहा था। सो मैं शाम की सुर्खी की कसम खाता हूं और रात की, और जिन चीजों को वो इकट्ठा कर लेती है उनकी, और चांद की जब वो पूरा हो जाए, कि तुम लोग दर्जा बदर्जा जरूर चढ़ोगे, और मौत की बेहोशी हकीकत खोलने को तारी हो गई। ऐ इंसान, यही वो हालत है जिससे तू भागता था। सुन रखो कि जो कुछ आसमानों और जमीन में है सब अल्लाह ही का है। सुन रखो कि अल्लाह का वादा सच्चा है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। वही जान बख्शता और वही मौत देता है, और तुम लोग उसी की तरफ लौट कर जाओगे। और जो माल हमने तुमको दिया है उसमें से उस वक्त से पेशतर खर्च कर लो कि तुम में से किसी की मौत आ जाए तो उस वक्त कहने लगे कि ऐ मेरे परवरदिगार, तूने मुझे थोड़ी सी और मोहलत क्यों ना दी ताकि मैं खैरात कर लेता और नेक लोगों में दाखिल हो जाता। और जब किसी की मौत आ जाती है तो अल्लाह उसको हरगिज मोहलत नहीं देता, और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उससे खबरदार है। ऐ इत्मीनान वाली जान, अपने परवरदिगार की तरफ लौट चल, तू उससे राजी, वो तुझसे राजी, सो तू मेरे खास बंदों में शामिल हो जा और मेरी बहिश्त में दाखिल हो जा। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसे ही मज़ीद वीडियो आप तक पहुंचता रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।